हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवलीज रसोई। तो फ्रेंड फिर से आ जाने एक न्यू रेसिपी लेके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई सब्जी नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। तो बहुत कम समय में एक कप बेसन से आप इस सब्जी को बना करके इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें एक कप बेसन हम डाल देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे और बस थोड़ी सी ही हल्दी डालना है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी यहाँ पे रेड चिली पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे हींग जाएगी। इसके बाद सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये मसाला और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया है पानी। तो पानी डाल के इसका बढ़िया सा हम घोल बना करके तैयार करेंगे। तो पानी एक साथ बिल्कुल भी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी यहाँ पे हमको डालना है। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो बस इसी तरह से इसको घोल को बना करके हमको तैयार कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए अच्छे से घोल हमारा बन करके ये तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा थिक ही घोल हमको बनाना है और अच्छे से इसको फेंट लेना है ताकि हल्का और फ्लफी ये होकर के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखें कितना हल्का हो गया है और बस बहुत ज़्यादा पतला ये घोल नहीं करना है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद बनाने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एक गिलास। तो गिलास या कटोरी किसी में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसी गिलास में इस बैटर को हम निकाल लेंगे जितना आ जाएगा, और जो बच जाएगा उसको दूसरे गिलास में आपको निकाल लेना है। और इसको अच्छे से हमको निकाल करके तैयार करना है और इसको हम साइड में हटा करके रख देते हैं। और बस चलिए ये गिलास में बैटर बनकर हमारा तैयार हो गया है। और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया दही। तो 2 चम्मच हमको यहाँ पे दही ले लेना है। और इस दही में चलिए हम मसाले मिला लेते हैं। तो 1/2 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर जाएगा, 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं पानी, और पानी डालने के बाद ये मसाला हम बढ़िया सा फेंट करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये पहले से अगर मिक्स करके रख देते हैं तो मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से फूल करके ये तैयार हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस पे रख दी थी कढ़ाई, इसमें पानी को बॉईल होने रख दिया। तो पानी अच्छे से बॉईल हो गया, कुछ बूंदें यहाँ पे हम तेल की डाल देंगे। और उसके बाद चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो झारा होता है जिससे हम लोग पूड़ियाँ वगैरह छानते हैं, वही झारा आपको ले लेना है। और इसमें जो बैटर मैंने बनाया था उसी को गिलास को भी हम ले लेते हैं यहाँ पर, और उसी गिलास से इस बैटर को इस तरह से हम गिराते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा बैटर हम गिराएंगे और गिराते गिराते ये बैटर नीचे गिरने लगेगा। तो देखिए छोटे छोटे पीसेस में ये नीचे की तरफ गिर रहा है, इसी तरह से आपको गिरने देना है। और सभी बैटर जितना गिलास में मैंने लिया था सभी इसमें हम डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर चम्मच ले लेनी है और हल्का हल्का सा इसको हम प्रेस करेंगे ताकि जितना भी बेसन है ना सभी इसमें कढ़ाई में निकल के आ जाए। तो देखिए इसी तरह से इसी प्रोसेस को आपको दोहराते रहना है। तो जितना जो बैटर हमने बनाया है ना सभी का हम इसी तरह से दोस्तों बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बचा था वो भी मैंने बैटर को ले लिया है और इसको भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो बेसन के गट्टे वगैरह आपने बहुत बार बना करके खाए होंगे, तो एक बार इस तरह से ईजी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी बेसन को इसी तरह से बना करके छोड़ दिया है। और ये देखिए इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं लगभग 2-3 मिनट। 2-3 मिनट बाद देखिए इसको अच्छे से मैंने देखा है, तो काफ़ी अच्छे से ये देख सकते हैं आप पीसेस बन करके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो छोटे छोटे से पीसेस बनते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो देख सकते हैं आप, बस थोड़ा सा हमको पकाना है, 2 से 3 मिनट इसको, बस 2-3 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, अब गैस को हम बंद कर देंगे। तो ये अच्छे से बन करके तैयार है, गैस यहाँ पर बंद करके और इसको छान करके हम तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको छान लिया है, तो आप देख सकते हैं तो बढ़िया से छोटे छोटे पीसेस में ये बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसकी हम सब्जी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी सब्जी बनानी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने गैस पे रख ली थी कढ़ाई, और इसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया, 1/2 चम्मच जीरा जाएगा। और जीरे को हम यहाँ पर चटकने देते हैं। थोड़ा सा जीरा को चटक जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों हम ले लेते हैं 1 बारीक कटी हुई प्याज, तो इसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। और प्याज को डालने के बाद यहाँ पे प्याज को अच्छे से हमको भून लेना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं कलर आने तक। और इसके बाद हमको यहाँ पे ले लेना है दोस्तों थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो इसको भी मैंने डाल दिया है। तो प्याज के साथ इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे।
तो चलिए इसको चलाते हुए हम भून लेते हैं अच्छे से। जब तक कलर नहीं आ जाएगा तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लहसुन प्याज जो था अच्छे से भून करके तैयार हो गया। और अब यहाँ पे हम ले लेते हैं जो मैंने पेस्ट मसाले का बना के रखा था, उस पेस्ट को भी यहाँ पे डाल देते हैं। और डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी खंगाल के हमको डाल देना है ताकि जितना भी मसाला है सभी इसमें से निकल आए। और इसको हमको कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि इसमें मैंने दही का इस्तेमाल किया है, तो दही फटे नहीं, इसकी बराबर चलाते हुए इसको पका लेंगे जब तक तेल इस पर रिलीज नहीं हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से तेल ऊपर की तरफ आ गया है लेकिन मसाला अभी हमारा कंप्लीट पका नहीं है, इसको और कुछ देर हमको पका लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे मसाला अच्छे से ये पक करके तैयार हो गया है और थोड़ा सा थिक हो गया, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो दोस्तों एक कप हम यहाँ पे पानी ले लेते हैं और आधा कप और डाल देते हैं। तो थोड़ी सी हमको ग्रेवी बनानी है ताकि चावल वगैरह से भी सब्जी खाई जा सके। तो बस इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और अगर आपको कम लगे पानी तो और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कवर, और कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से पका लेंगे ग्रेवी को। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए थे दोस्तों, चलिए चेक कर लेते हैं। और ग्रेवी को आपको बिल्कुल परफेक्ट पका लेना है, उसके बाद ही इसमें सब्जी जो मैंने बनाई है उसको डालना है। तो चलिए अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अब जो मैंने बेसन की ये सब्जी बना के रखी इसको हम डाल देते हैं इसी ग्रेवी में। तो और डालने के बाद इसको बढ़िया सा हमको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अगर पानी आपको कम लगता है तो आप यहाँ पे पानी फिर से डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर पानी डालना है तो आप गर्म करके ही डालिएगा। तो देखिए परफेक्ट है, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम किचन किंग मसाला 1/2 चम्मच, और थोड़ी सी यहाँ पे हमको ले लेना है कसूरी मेथी, तो इसको भी मैंने डाल दिया है। और नमक आप यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब से ही डालें क्योंकि मैंने जब ये बेसन की सब्जी वैसे बनाई थी पानी में तो उसमें भी मैंने नमक डाला था। और अभी मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देते हैं और इसको हम 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 3 मिनट हो गए थे फिर से, और ये सब्जी हमारी देख लेते हैं और ये परफेक्ट बनकर लगभग तैयार हो गई है। तो इसको चला लेते हैं। अगर ग्रेवी थिक लगती है तो आप पानी का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट बन करके तैयार है, यहाँ पे हमको पानी की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब गैस को हमको कर देना है यहाँ पे बंद। और यहाँ पे मैंने सर्विंग प्लेट ले ली है, तो चलिए सब्जी को हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सी बेसन की बिना झंझट वाली सब्जी बन करके तैयार हो गई, बहुत कम समय में बन करके तैयार होती है। और रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक। तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।